हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोथरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल पंकज यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा टेक्निकल पंकज यूट्यूब चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको ऑनलाइन मनी मेकिंग, कंप्यूटर ट्रिक्स एंड एंड्रॉइड ट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी एकदम हिंदी पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अपवर्क पे कैसे काम करना है, कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है और कैसे वहां से आप जॉब पा सकते हैं। तो काफी लोगों ने मुझे कमेंट पे बताया था कि उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है अपवर्क पे काम करने के लिए, या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किसे हमें किस तरह यहाँ पर काम करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करने से हमें काम मिलेगा, यहाँ पर क्या क्या करें क्या क्या ना करें। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो का जो है एकदम शुरू से लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक अपवर्क के बारे में वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है वो वाले वीडियो पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना और एक मैं वीडियो बनाऊं, तो इस वाले वीडियो पे मैं आपको पूरी इसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगा। तो आप लोग बेसिक तो जानते हैं अपवर्क के बारे पे, यहाँ पर आपका जो भी स्किल है आप घर बैठे फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी तगड़ी इनकम आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी ऑनलाइन साइट पे काम करने से पहले आपको साइन अप करना पड़ता है। तो यहाँ भी सिंपल है, सबसे पहले जो है आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं साइन अप का बटन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मैंने क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन देगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है अपना अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ रहा है। अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं, यानी कि आप किसी को हायर करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तो आप जो है इधर आप देखिए हायर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप खुद काम ढूंढ रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर ऑनलाइन वर्क, तो यहाँ पर आप वर्क पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं जो है अपने लिए काम ढूंढ रहा हूँ, तो मैं जो है यहाँ पर वर्क पे क्लिक करता हूँ। देखिए वर्क पे क्लिक करते ही आपके सामने और एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी अकाउंट बनाने के लिए वो कहेगा। तो यहाँ देखिए आपको सिंपली है एकदम फर्स्ट नेम देना होता है, लास्ट नेम देना होता है अपना, ईमेल एड्रेस दे दीजिए आप, अपनी कंट्री सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर यूजर नेम यानी कि कोई भी ऐसा एक यूनिक नेम दीजिए आप जो कि आपका यूजर नेम हो, एक अच्छा सा पासवर्ड चूज कीजिए और हाउ डिड यू हेयर अबाउट अपवर्क, आपने अपवर्क के बारे पे कहाँ से सुना। तो यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने बहुत बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सर्च इंजिन ऐड, सर्च इंजिन रिजल्ट, फ्रेंड, ब्लॉग, फोरम, न्यूज़पेपर, इवेंट, देखिए रेडियो, टेलीविजन, अदर। तो आपने कहाँ से सुना, सिंपली यहाँ पर कोई भी एक चूज कर लीजिए। यहाँ पर चूज करने के बाद अभी देखिए टाइप द लेटर्स बिलो, तो ये वाला जो नीचे कोड है वो वाला यहाँ पर सही सही आपको देना होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अपवर्क आपको ईमेल भेजता रहे वो जो भी लेटेस्ट न्यूज है, तो आप इसे चेक रहने दे सकते हैं। अदरवाइज आप अगर नहीं चाहते तो आप जो है इसे अनचेक भी कर सकते हैं और इसको जरूर से चेक कर दीजिए आप, येस आई अंडरस्टैंड पर, ओके ये इसकी एग्रीमेंट है, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हो। तो सब कुछ हो जाने के बाद आप जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए गेट स्टार्टेड के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एक अकाउंट है वो बन जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह नहीं बना होगा। अभी आपको क्या करना है कि आपने मेल एक बार चेक करना पड़ेगा। आपके पास एक मेल आ चुका होगा अपनी, सिंपली आप जीमेल ओपन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है एक मेल आया हुआ रहेगा अपवर्क की तरफ से, तो उस ईमेल पे जो है एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई करवा लेना होता है। तो उसके बाद जो है अपना अपवर्क का अकाउंट आपका पूरी तरह बन चुका है। ये देखिए मेरा भी मेल आया था जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था, अपवर्क नोटिफिकेशन करके आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके आप अपने अकाउंट बना लीजिए। ओके, तो जब आप सब कुछ हो जाएगा तो आपका अकाउंट बन चुका होगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं जो है सिंपली लॉग इन के बटन पर क्लिक करके मेरे अकाउंट को मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लॉग इन के बटन पर मैंने क्लिक किया और वो देखिए मुझसे ये मेरा ईमेल, यूजर और पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है दे देता हूँ। देखिए लोडिंग हो रहा है, ओके। तो अब देखिए क्रिएट योर प्रोफाइल, आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो है आपका जो भी स्किल है, मैंने काफी लोगों से फोन में भी बात किया था, तो उन लोगों को भी मैंने बताया कि आपका जो भी काम में स्किल है आप उस हिसाब से यहाँ पर अपने लिए काम चूज कर सकते हैं, या छोटा काम से लेके बड़ा काम तक हर किस्म के काम यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट यू हैव टोल्ड अस सो फार, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ऑलरेडी चूज किया हुआ है, बट मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए एकदम शुरुआती से ये आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना होगा, आपको किस लेवल से काम शुरू करना है और किस लेवल तक आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन आएगा, व्हाट आर द मेन सर्विस यू ऑफर टू क्लाइंट्स, आप क्लाइंट्स को अपनी कौन सी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हो। तो यहाँ से आप अपने लिए चूज कर लीजिए कि आपके कौन से काम में ज्यादा स्किल है, आप कौन सा काम सबसे अच्छा कर सकते हो।
तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो है डेटा एंट्री का काम करते हैं, यानी कि उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, उनके टाइपिंग के बारे पे बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो मेरे ख्याल से आपको राइटिंग चूज करनी है। राइटिंग आपने चूज कर लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक है, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग डू यू डू। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट अप टू 4 टाइप्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पर आपको 4 किस्म के काम जो है चूज करने होंगे कि आप कौन कौन से टाइप की राइटिंग कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर कॉपी राइटिंग कर सकते हो, ग्रांट राइटिंग, वेब कंटेंट, अदर राइटिंग। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। अगर आप 4 टाइप के काम नहीं चूज करना चाहते, कि यहाँ पर आप कोई एक टाइप का काम भी चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ अदर राइटिंग पे। ये मैंने चूज कर लिया। अभी देखिए ये सब आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, इसे मैं सिंपली मिटा देता हूँ। और देखिए, व्हाट स्किल्स डू यू ऑफर क्लाइंट्स, आप अपनी कौन सी स्किल अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेटा एंट्री। अगर आपने डेटा एंट्री के बारे में नहीं सुना है तो नेट पे सर्च करके आप जान सकते हैं कि डेटा एंट्री क्या होता है। आपको टाइपिंग करना होता है डेटा एंट्री पे, डेटा एंट्री कर सकते हो। और अगर आप ब्लॉग लिखते हो तो ब्लॉग राइटिंग भी कर सकते हो। देखिए ब्लॉग राइटिंग, तो डेटा एंट्री और ब्लॉग राइटिंग तो मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, यानी कि राइटिंग करना है सिर्फ, ये सबसे आसान काम है। और यहाँ से आप काफ़ी तगड़ी पेमेंट भी ले सकते हो। और नीचे उतरते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस लेवल, आपका एंट्री लेवल का है या इंटरमीडिएट का है या एक्सपर्ट हैं आप। तो मेरे ख्याल से आप अभी एंट्री लेवल पे भी रहने दीजिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट भी कर सकते हैं और इंटरमीडिएट भी कर सकते हो। तो एंट्री लेवल पे क्लिक करके सी रिकमेंडेशन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको बता रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर कैटेगरी हमने जो भी सिलेक्ट किया था सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, आप एक बार देख लीजिए। कंटिन्यू टू क्रिएट प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पर आप सब कुछ हो जाने के बाद अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक अपनी एकदम गुड लुकिंग फोटो जो है अपलोड करनी है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो पहले से अपलोडेड है। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अपनी आप खुद की ही इमेज लगाइए, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं आपको देखना चाहते हैं, किसी और को नहीं देखना चाहते वो। आप अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी फ्लावर या ट्री या कुछ भी ऐसा टाइप का अगर प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, तो यहाँ पर वो वाला पिक्चर जो है अपलोड होगा ही नहीं, वहाँ पर एक एरर आ जाएगा। यहाँ पर फेस डिटेक्ट होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फेस डिटेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले अपलोड कर दीजिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट फोटो पे भी क्लिक कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं, ऐड ए प्रोफेशनल टाइटल दैट डिस्क्राइब्स द वर्क यू डू। यहाँ पर आपको एक टाइटल देना होगा जो कि आपके काम के नीचे यहाँ पर हमेशा शो होता रहेगा, तो वहाँ पर उस हिसाब से आप अपने टाइटल को दे दीजिए। तो आप अगर ब्लॉग राइटिंग करते हैं तो यहाँ पर आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखिए दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रोफेशनल डेटा एंट्री वर्कर। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल डेटा एंट्री वर्कर मैंने लिख दिया। अब जो है ये हमेशा नीचे शो होता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, राइट ए ब्रीफ प्रोफेशनल ओवरव्यू। आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देना होगा कि आपका कौन काम में ज़्यादा स्किल है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके किस टाइप के कंटेंट्स पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा, अपने बारे पर लिख दीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है माई सेल्फ। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिखता हूँ, ये मैं कोई ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, माई सेल्फ पंकज बोथरा। उसके बाद जो है आपको अपने बारे पे थोड़ा लिखना है कि आप क्या क्या काम करते हैं, आपका कितना साल का क्या क्या एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, यहाँ पर आपको सब कुछ लिखना होगा। ओके, और एडुकेशन यहाँ पर आप दे दीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर आप ख्याल रखिए कि आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बाद में जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि क्लाइंट्स आप पे भरोसा नहीं करेंगे, वो लोग देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितनी ज़्यादा अपडेटेड है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एडुकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने ऐसा एक फॉर्म ओपन होगा। तो अपने यहाँ पर स्कूल दे दीजिए आप, एड एडुकेशन मतलब जो भी है, डेट्स अटेंड जो भी है, यहाँ पर अपना सबको आपको पूरा का पूरा फिल करना होता है। ओके, यहाँ पर जो भी है आपका फिल आप कर दीजिए।
डिग्री वगैरह दे दीजिए, एरिया ऑफ स्टडी ये ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन ये सब ऑप्शनल है। आप अपने मतलब एजुकेशन यहाँ पर आप पूरी की पूरी फिल कर दीजिए, हाई स्कूल आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट आपको ऐसे दिखाने के लिए कह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आपने स्कूल चूज वगैरह कर सकते हैं इस तरह। और ये जो है, ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये जो है आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सब आपने दे दिया तो आपका जो है एजुकेशन यहाँ पर हो चुका होगा पूरा। और है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपका, अगर कोई कंपनी है तो यहाँ पर आप दे दीजिए, यहाँ पर पीरियड वगैरह यहाँ पर सब कुछ आप दे दीजिए, रोल टाइटल। अगर आपका आप नहीं देना चाहते तो ये आप नहीं दे सकते हैं, ऐड एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये पूरा आपके ऊपर है। तो आपको यहाँ पर देख देख के सब कुछ करना है। तो अब जो मेन बात आता है, कोई भी ऑनलाइन साइट पे काम करने के लिए आपको अपनी इंग्लिश जो है वो एकदम फ्लुएंटली बोलनी पड़ती है। लेकिन वो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर आप ज़्यादातर जो इंडिया के लोग होते हैं वो बेसिक इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेते हैं। देखिए, बेसिक आई एम ओनली एबल टू कम्युनिकेट दिस इन दिस लैंग्वेज थ्रू राइटिंग कम्युनिकेशन। ओके, सो ये जो है, ये है बेसिक का। अगर आप फ्लुएंट करते हैं तो फ्लुएंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब आपका इंग्लिश स्पीकिंग किस टाइप का है, आपका जितना बेटर रहेगा आपके लिए काम मिलना उतना ही आसान होता जाएगा। तो मैं बेसिक ही चूज रहने देता हूँ। और अब जो बात आता है पेमेंट का, देखिए आवरली रेट, दिस इज द अमाउंट टू क्लाइंट विल सी। यहाँ पर आपको वो बार अपना अमाउंट देना होगा जो कि अपने क्लाइंट्स को शो करवाना चाहते हैं, यानी कि क्लाइंट्स को पता हो कि आप कितना उनसे चार्ज करेंगे। और ये जो अपवर्क है ये 20% सर्विस फी के तौर पे लेता है। तो आप यहाँ जितना भरेंगे उससे 20% जो है अपवर्क लेगा, और बाकी आपको यू विल रिसीव जो है यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आवरली रेट यहाँ पर जो है भर दूंगा। देखिए मैं यहाँ पर भर दे रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं 5 करता हूँ। तो देखिए ये वाला जो है और ये वाला मुझे रिसीव होगा, यानी कि ये -1 जो है डॉलर काट लेगा और मुझे $4 जो है वो वाला पर आवर के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने रेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको ऐसे ही देके दिखाया। आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं अपने रेट को और घटा भी सकते हैं। और देखिए हाउ मेनी आवर्स, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं यहाँ पर आपको उसके मेंशन करना है। मोर देन 30 आवर्स पर वीक, लेस देन 30 आवर्स पर वीक, एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स। तो है मैं जो है यहाँ पर मोर देन 30 आवर्स पर वीक पे क्लिक रहने देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। वट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट आर यू इंटरेस्ट इन, तो आप यहाँ पर अपने किस टाइप के प्रोजेक्ट पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है एड्रेस देना होता है अपने। यहाँ पर पूरी की पूरी एड्रेस वगैरह दे दीजिए, यहाँ पर सिटी दे दीजिए अपनी, कंट्री दे दीजिए, पोस्टल कोड दे दीजिए, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दे देना है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी लोग मुझे कॉल करके पूछ लेते हैं पर्सनली, तो आप भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन पे मेरा। तो देखिए रिव्यू प्रोफाइल एंड सबमिट पे आपको, तो देखिए आपकी जो प्रोफाइल है अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो जो भी दिया था सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, अभी जो है यहाँ पर देखिए सबमिट माई प्रोफाइल के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यही पेज आपको चाहिए। यहाँ पर आप देखिए आपकी प्रोफाइल जो है कितनी परसेंट कंप्लीट हुई है। लगभग मेरी जो प्रोफाइल है 40% कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने वर्क हिस्ट्री नहीं डाली है जो कि है +30% जो है मेरी कंप्लीट कर देगी। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए इसे आपका ये प्रोफाइल। आप एक चीज़ याद रखिए, आपके प्रोफाइल ही आपका आधा काम कर देता है। यहाँ पर मान लीजिए आपका अगर प्रोफाइल अपने एकदम भी अपडेट नहीं रखा है तो क्लाइंट्स को आपके ऊपर भरोसा करने पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपकी प्रोफाइल जो है 100% अपडेटेड रखिए। तो अब जो बात आता है काम का, कि यहाँ पर आपको किस टाइप के काम मिलेंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा था डेटा एंट्री के बारे पे, तो यहाँ पर आप डेटा एंट्री लिख के भी सर्च कर सकते हैं, डेटा एंट्री। ओके, और यहाँ पर आप सर्च कीजिए। तो आप यहाँ पर डेटा एंट्री के भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए डेटा एंट्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंटरनेट रिसर्च, विजुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट सॉरी। ओके, डेटा एंट्री यहाँ पर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो है आपको वर्क्स मिल जाएंगे।
देखिए यहाँ पर इतने सारे जो है जॉब्स फाउंड हो चुके हैं, लगभग 6,776 जॉब है डेटा एंट्री के। तो यहाँ पर जैसा मेंशन किया हुआ रहेगा इस हिसाब से आपको उनके काम करने पड़ेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डिजाइन एंड डेवलप एम्प्लॉय 360 इन सर्वे मंकी। यहाँ पर आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आपका इस साइट पे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको काम करने में उतने ज़्यादा मजा आएगा और आपके वर्क एक्सपीरियंस भी उतनी ज़्यादा ग्रो होंगी। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब्स हैं, आप सब कुछ जॉब को देखिए, अब उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट लगे वो काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए डेटा एंट्री, वेब रिसर्च काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको कैसा क्या काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये इंटरमीडिएट के लिए है, यानी कि जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए जो है आप एकदम शुरुआती तौर पर यहाँ से काम कीजिए। हाँ देखिए एंट्री लेवल का यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए एंट्री लेवल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। एंट्री लेवल का आपको काम करने से ये फायदा होता है कि आपको आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर तो आप अपने काम को यहाँ पर दिखा सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर फ्रीलांसर विथ द लोएस्ट रेट्स। तो इसके पूरे डिटेल्स से आपको कैसे क्या काम करने होते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है, और आपको उसके बाद जो है सबमिट ए प्रपोजल पे क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है सब कुछ है यहाँ पर। और जब भी आपका जो प्रपोजल है वो अगर आपका कोई भी टाइप का मैसेज वगैरह आता है तो आपको यहाँ पर देखिए एक मैसेज का टैब है, यहाँ पर देखिए एक बेल का आइकन है, यहाँ पर आपको मैसेजेस शो होने शुरू हो जाता है शो होना। तो आपको यहाँ से लगभग $75 या $80 जिस तरह का काम होता है डेटा एंट्री पे आपको बहुत अच्छे से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ से तो आप इस टाइप के जॉब्स वगैरह पा सकते हैं। ओके अब जो सबसे एकदम ज़्यादा बात आता है कि आप यहाँ से पैसे कैसे निकल आए, तो आपको यहाँ पर देखिए अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स का एक आइकन है, सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, तो आप इनके क्वेश्चंस को देख लीजिए कि आपको कौन सा पसंद है, योर मदर्स मेडन नेम, योर फेवरेट सॉन्ग, आप यहाँ से कोई भी एक चूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके अकाउंट की पूरी जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह आ चुकी है, यहाँ पर मैं इसे शो नहीं कर सकता इसीलिए मैंने इसे थोड़ा ब्लर रखा है। तो यहाँ पर आप देखिए अभी यहाँ पर जो होगा गेट पेड, गेट पेड के बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए सारी की सारी जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह है यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। पेमेंट डिटेल्स, इट मे टेक 3 days to activate your payment method, ओके। देखिए सेटअप नाउ, यहाँ से जो है आप काफ़ी तरीके से अपने लिए पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, पेपाल की मदद से, पायनियर की मदद से, स्किल की मदद से, आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वायर ट्रांसफ़र, ओके। देखिए यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आप डायरेक्ट टू लोकल बैंक INR, ओके, पेपाल की मदद से कर सकते हैं, पेनीट की मदद से कर सकते हैं, वायर ट्रांसफर, डायरेक्ट टू US बैंक, यहाँ पर इन सब मेथड के मदद से आप लोग अपने लिए पैसे निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको काम की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा, उसके बाद आपको वो लोग पेमेंट करेंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप काम यहाँ पर मन लगा के ठीक से कीजिए। तो इस वीडियो पे मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है, आपकी प्रोफाइल अपने कैसे क्रिएट करनी है, कैसे क्लाइंट्स को कन्विंस करना है, कैसे उन्हें बताना है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर आपको काम करने पे उतने ज़्यादा आसानी होगी और उतने ज़्यादा आपको काम मिलेगा। और एक चीज़ का यहाँ पर याद रखिए, अगर आपको एक बार काम मिल गया तो दोबारा से आपको वही क्लाइंट जो है आपको काम देगा, और इस तरह जो है आपकी लेवल हाई होती जाएगी। तो इस तरह आप अपवर्क पे काम कर सकते हैं, मैंने आपको पूरी डिटेल्स पे बता दिया कि इसे यहाँ पर आप कैसे क्या करेंगे। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा अपवर्क के बारे पे, जो लोग फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं अपवर्क पे, तो वो लोग मेरी
पिछली वीडियो को भी देखिए ताकि आपको अपवर्क के बारे पे पूरा का पूरा नॉलेज हो जाए, और आप ये वाला वीडियो तो देखना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, मुझे कॉल कीजिए अगर आपको कोई परेशानी आ रही है। सो मिलता हूँ एक अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।